My God, how beautiful it is looking. Look at this, kitna. Hi guys, welcome back to my channel. This is Neha and you're watching Highlander Girl. And today I have reached Dehradun because कल है मेरी ऑफिस कॉन्फ्रेंस और उसे अटेंड करने मैं आ गई हूँ देहरादून. और थोड़ी देर में पहले मैं पहुंची हूँ. आज सुबह बहुत जल्दी निकली थी, सुबह 5 बजे मैं रेलवे स्टेशन निकल गई थी. तो आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ होटल और दिस इज माय रूम फॉर टुडे. लुक एट दिस, हाउ प्रिटी एंड गॉर्जियस इट इज. नाइस ना, ये This is so 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 pretty. सबसे ज़्यादा खास बात इस रूम की मैं दिखाती हूँ आपको. ये रहा मेरे पीछे, यहाँ पे है पूरी विंडो एंड इसके पीछे का व्यू ना, ओह माय गॉड. वेट, लुक एट दिस, कितना. मैं हूँ इस समय मॉल के अंदर, ओह माय गॉड. एक्चुअली जहाँ होटल में मैं रुकी हुई हूँ उसके बैक साइड में ही अंदर की साइड से ये मॉल है. दिस इज पैसिफिक मॉल देहरादून. ये यहाँ का इकलौता सबसे बड़ा मॉल कह सकते हैं. हाँ, काफ़ी बड़ा, मतलब यहाँ का सबसे पुराना मॉल यही है. और इसी यहीं पे मैं रुकी हुई हूँ और ये रहा मेरा रूम. और थोड़ी देर में मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े बाहर चले जाऊँ, थोड़ा एक्सप्लोर करने यहाँ पे आसपास का क्या एक्सप्लोर, या तो मैं मॉल ही चली जाऊँगी. वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी बार आई हुई हूँ क्योंकि ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज हमारा मतलब एक मेन अड्डा यही रहता था कि बस या तो पल्टन मार्केट जाओ या पैसिफिक मॉल जाओ. तो यहाँ पे तो मैं काफ़ी बार आई हूँ, बट इट्स बीन 7 ईयर्स आई थिंक. हाँ, मैं बीच में एक बार आई थी देहरादून, बट उतना ज़्यादा घूम नहीं पाई थी. बट मोस्टली अगर आप देखा जाए तो 7 ईयर्स हो चुके हैं कि मैं देहरादून अच्छे से घूमी नहीं हूँ. तो मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें. तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए. और बट आज रात को हमारी है डिनर पार्टी, तो उसके लिए भी मुझे रेडी होना है. एंड थोड़ी देर में मेरी टीम के बाकी लोग भी पहुँचने वाले हैं. सो आई एम थिंकिंग टू टेक अ क्विक शावर और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद. यहाँ पे आ गया है मेरा जूस. सो चलो जूस एंजॉय करते हैं और चलते हैं मॉल की तरफ. सो मैं जा रही हूँ बाहर. कहाँ से रास्ता था? Going down. Please press the button for the desired floor. मुझे पता शायद फर्स्ट में था. So I am back from my shopping. बहुत मॉल सारी शॉप्स घूमाई एंड आई परचेज्ड अ हैंड बैग. बहुत प्रिटी सा हैंड बैग है. और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ. बट मेरे पास सिर्फ 1 आवर है मुझे रेडी होके डिनर के लिए भी जाना है. तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए. सो आई एम थिंकिंग कि फिर मैं 15 to 20 minutes के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद रेडी होके निकलना है. देखो इन्हें, सब फोटो खिंचाने में बिजी हैं एंड वी आर बिजी विद आवर फूड. ये रही हमारी
है मॉडल और मैं पहुंच गई हूँ फिलहाल अपने रूम पे एंड द इवनिंग वॉज फुल ऑफ फन और बहुत ज़्यादा मजे किए, सच में बहुत ज़्यादा मजे किए एंड अभी बहुत ज़्यादा अब थकान लग रही है और इस समय मैं सोच रही थी कि मैं इस समय रात को देखना चाहती थी एक्चुअली कि मॉल रात को कैसे दिखता है, तो इस समय मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सो अभी 10:30 है और अभी का माहौल चल रहा है कुछ ऐसा, अभी भी लोग आए हुए हैं। मुझे तो लग रहा था कि अभी खाली हो चुका होगा, शॉप्स क्लोज हो गई होंगी, नहीं अभी भी काफ़ी शॉप्स दिख रही हैं। फिर भी कल का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्योंकि कल है हमारी कॉन्फ्रेंस और आई हैव टू प्रेजेंट अ PPT एज वेल एंड सुबह बहुत जल्दी उठना है क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मुझे नज़र आ रहा है। मसूरी दिख रहा है ऊपर। और बहुत लंबा सफ़र है अभी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गया था एंड अब निकलना है दिल्ली के लिए, फिर देखते हैं कब पहुँचते हैं। सो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मिडवे नमस्ते एंड लुक एट दिस, कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ पे सब कुछ, नाइस नाइस प्लेस।